हेलो दोस्तों, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डॉट इन में आपका स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर की, दैट इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये लगाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जीरोधा में अपने टॉप पे, यहाँ पे आपको ये दिखेगा, यहाँ पे आप सर्च का ऑप्शन देगा, आप यहाँ पे सर्च करेंगे RSI और आपको यहाँ पे RSI दिखेगा, आप क्लिक करेंगे तो RSI आपके जीरोधा पे लग जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं डबल RSI लग गया है, जैसे कि एक पहले मेरे में लगा हुआ था और एक मैंने अभी अभी लगाया है। अब आप इंडिकेटर को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आइएगा, मैं आपको शो कर देता हूं आप कैसे डिलीट कर पाएंगे। ये कैंसिल का बटन दिख रहा है आपको, क्रॉस का, इस पर क्लिक करेंगे सिंपली और वो हट जाएगा। और ये एक बेहतरीन इंडिकेटर है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। और बहुत सारे चार्ट्स में अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इन्वेस्टिंग पर्पज से जो लोग स्विंग ट्रेड्स करते हैं बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है उनके लिए। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि चोला फाइनेंस। अब चोला फाइनेंस में आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको जो RSI का लेवल देखने को मिला वो 24 के आसपास मिला। अब आप ये देखिएगा, जैसे ही आपको 24-25 का RSI चोला फाइनेंस में मिलता है तो उसके बाद शेयर में क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ मिला, उसके बाद रैली देखो आप, उसके बाद फिर से आपको डाउन मिला यहाँ पे, कुछ दिन शेयर ने कंसोलिडेट किया लेकिन उसके बाद आप आगे रैली देखिए, क्या बेहतरीन रैली दी है। फिर से अभी RSI डाउन गया था 30 के आसपास, ऑलरेडी भाग चुका है शेयर, ऑलरेडी RSI 50 पे आ चुका है, तो अब एंट्री का मौका इसमें नहीं बनता है। उसके अलावा मैं आपको BPCL दिखाना चाहूँगा। BPCL में भी देखिए आप, जब भी आपको लो RSI देखने को मिला, आप यहाँ पे मिला आपको RSI 26 का, उसके बाद आप रैली देखिए शेयर की, आपको फिर से यहाँ पे एक बार लो RSI मिला, ये आपका 27 का RSI, और उसके बाद आप रैली देखिए, ठीक है। एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, मार्केट सेंटिमेंट का ध्यान रखिएगा कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है शेयर्स के लिए। बट जो अगर स्विंग कर रहे हैं 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर मैटर नहीं करेगा। अब हाल फिलहाल अभी BPCL 200 की EMA पर कंसोलिडेट कर रहा है, मैंने अपनी निफ्टी की वीडियो में भी इसके बारे में बोला है। तो आप देख सकते हैं एकदम लो पे RSI था, अभी एक कैंडल आ गई है तो 26 से ऑलरेडी 36 का RSI आ गया, लेकिन स्टिल आई कैन से अगर जिसको 3-4% खाना है स्विंग में वो BPCL में एंट्री ले सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल कह सकते हैं आप, तो आप अपना यूज करना, इसको सीख सकते हैं, इसके बिहाफ पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, आप शेयर करते रहेंगे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको बेहतरीन एक से एक वीडियोस देखने को मिलेंगी जहां से आपको घर बैठे आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।